ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखना है और फिर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद हम इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रखेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई मस्टर्ड सीड और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है और जैसे इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसमें तीखापन लाने के लिए हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो आप देख सकते हो प्याज अच्छे से भून चुका है। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां जैसे बीन्स, गाजर, बीटरूट। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल है आप उसे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मटर का भी इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी हरी सब्जी होगी आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और इस डिश को आप और भी हेल्दी बना सकते हो। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। अगर आपको ये डिश थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें और लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च डाल सकते हो। अगर आप ये डिश बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे कम स्पाइसी बनाना। तो ये जो सब्जियां है इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। सब्जियां वैसे आप देखोगे तो पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। इन आलूओं को मैंने उबाल के अच्छे से स्मैश कर लिया है। अब हम इन आलूओं को सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो आलू इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे गार्निश करेंगे धनिया डाल के। तो दैट्स इट, आपने देखा कि ये पैटीज बनाना बहुत ही आसान है। धनिया डालने के बाद हम इसे गैस के ऊपर से निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे और इसकी पैटी बना लेंगे। आप इन पैटीज को अलग अलग शेप भी दे सकते हो ताकि बच्चों को ये खाने में और भी इंटरेस्टिंग लगे। तो इस तरह से हम इसकी पैटी बना लेंगे। पैटी बनाने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी और इसकी ना हम गाढ़ी पेस्ट बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर में हम पैटी को डिप करेंगे ताकि इसकी जो आउटर साइड है वो थोड़ी सी क्रंची और क्रिस्पी बने। तो ये जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। पेस्ट बनने के बाद हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रेड होता है उसे थोड़ा सा ड्राई करके मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो एक पैटी को सबसे पहले हम डीप करेंगे कॉर्नफ्लोर पेस्ट में और फिर उसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम के साथ और फिर इसे हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मैंने यहाँ पे डीप फ्राई नहीं किया है। अगर आप चाहो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। तो इस तरह से हम बाकी के पैटीज के साथ भी करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कुरकुरे या फिर किसी भी चिप्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और उस कोटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पैटी अच्छे से कोट होने के बाद हम लेंगे एक पैन और उसके ऊपर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो ये पैटी बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 से 7 मिनट के लिए। हर एक साइड को हम 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से इन पैटीज को अच्छे से पका लेंगे। तो आपने देखा कि ये आलू पैटी बनाना बहुत ही आसान है। आप इस पैटी का इस्तेमाल करके बर्गर भी बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है और बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आएगी।